हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं स्कूल लेक्चरर इंग्लिश पेपर सेकंड की कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिसको फॉलो करके आपने जो ख्वाब देख रखा है इंग्लिश से लेक्चरर बनने का, वो पूरा कर सकते हैं। हो सकता है आप प्राइमरी लर्नर हैं, या हो सकता है आप काफ़ी लंबे सालों से तैयारी करते आ रहे हैं लेकिन हर बार कॉम्पिटिशन की दौड़ से आप पिछड़ जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह रहती है, हम कहां पर चूक जाते हैं कंटेंट को तैयार करने में? देखिए, कंटेंट के सिलेक्शन में हो सकता है आपके 2 या 3 दिन का समय लगे, तो पहले आप अपना माइंड इस हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपको कहां कहां से कौन कौन सी सामग्री लेनी है, कौन से सोर्सेस से, कौन सी ऑथेंटिक गाइड से आपको पढ़ना शुरू करना है, ताकि आप उसके हिसाब से एक बुकलेट तैयार कर सके। हो सकता है आप बहुत सारी बुक्स एफर्ट नहीं कर पाए जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप उन बुक्स से सोर्सेज लेकर एक छोटी बुकलेट बना के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर पोर्शन की। आपके पोएम्स लगती है जो सिलेबस में है, वो है 8 पोएम्स। लेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश का सिलेबस बाकी सारे सब्जेक्ट से कम है, 8 पोएम्स लगती है फिक्स, और इन 8 पोएम्स को आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? देखिए, आपको इन पॉइंट्स के नोट्स बनाते समय कुछ जानकारियां ध्यान में रखनी है, वो ये है। सबसे पहले आपको इनके पोइट का जनरल इंट्रोडक्शन ध्यान में रखना है। वो स्टूडेंट जो पोइट के इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप पोइट के इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा डीपली ना पढ़े, क्योंकि हमारे सिलेबस में मान लो ऑल हिंज ब्लाइंडनेस है, तो ये नहीं है कि आप जॉन मिल्टन की सारी कंपोजिशन ही रटने लग जाए। जॉन डन का क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या उनका लाइफ हिस्ट्री रही थी, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको पोइट के इंट्रोडक्शन से संबंधित 2 ही प्रकार की जानकारियां रखनी है। पहली ये है कि उनका जन्म कब हुआ है और उनकी डेथ कब हुई है। तो 8 पोएम्स के जो पोइट्स लगते हैं, उन सारों पोइट्स की आप एक डिटेल बनाइए, जिसमें आप पोइट्स का जो बर्थ है वो डेट और जो उनकी डेथ हुई है वो डेट आप लिख सके। दूसरा, आपको याद रखना है कि कोई जो पोइट है वो किस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड है। 8 पोएम्स में से निजीम एज़किल और कमला दास को तो आप निकाल लीजिए, इसके अलावा जो 6 पोइट्स रहते हैं वो किस किस लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड है, जिनमें से अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें, किड्स की बात करें, पीबी सेले की बात करें, तो ये तीनों जो है वो लिटिक मूवमेंट के हैं। जॉन मिल्टन जो है वो है प्यूरिटन एज के, रॉबर्ट ब्रोनिंग जो है वो है विक्टोरियन पीरियड के, और अब बचते हैं जॉन डन, वो है जैकोबियन पीरियड के। तो आप इस हिसाब से एक पूरी डिटेल बना लीजिए ताकि आपके जो डेटा जो है वो मिक्स ना रहे। अभी 2018 में एक क्वेश्चन आया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई, तो इस प्रकार से आपको सिर्फ उनका बर्थ कब हुआ है, उनकी डेथ कब हुई है, ये पोइट का जनरल इंट्रोडक्शन ही तैयार करना है। और आप मेरे सारे वीडियोस में देखोगे कि मैंने पोइट का इंट्रोडक्शन इतना ही बताया, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। दूसरा, अब बात आती है पोएम्स को आपको कैसे पढ़ना है और पोएम्स के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आपको लिखनी है। एक बड़े रजिस्टर के अंतर्गत या बड़े कागज में आप 8 पोएम्स लिख लीजिए। 8 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको क्या क्या जानकारियां लिखनी है, देखिए, सबसे पहले तो उनकी पब्लिशिंग और राइटिंग की डेट क्या रही है, वो पोएम कब लिखी गई है, कब पब्लिश हुई है, क्योंकि एग्जाम में गलती होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आपने पढ़ी हुई होती है पोएम्स कब लिखी गई है और एग्जाम में आ जाता है कि वो पब्लिश कब हुई है। इसके साथ ही वो किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है, बहुत सारी पोएम्स है जिनको रिवाइज फॉर्म में भी लिखा गया था, तो वो कब कब कौन कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई है, ये चीज भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगली जानकारी आपको लिखनी है कि इस पोएम का जो मीटर है वो क्या है। अगला काम आता है उनकी राइम स्कीम क्या रही है, अगर उनकी कोई भी राइम स्कीम है, अगर वो टर्सेट से लिखी गई है, अलग अलग क्वाट्रेन से लिखी गई है, सेस्टेट और ऑक्टेव पार्ट में है, तो सारी उनकी राइम स्कीम आप एक साथ सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट जानकारी सारी पोएम्स की लिखनी है वो उनकी थीम, उन पोएम की थीम क्या है, ये जरूर आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा जानकारी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वो किस फॉर्म में लिखी गई है, क्या वो सोनेट है, क्या वो ओड है, क्या वो लिरिक है, इस हिसाब से एक डिटेल आप ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है सेक्शन वाइज एनालिसिस। हो सकता है पोएम्स कोई 4 सेक्शन में, 5 सेक्शन में, जैसे बड़ी पोएम्स है ओड टू द वेस्ट विंड, ओड ऑन एग्रेशन, ये अलग अलग सेक्शन में जैसे डिवाइड है, तो आप सेक्शन वाइज एनालिसिस जरूर बना लीजिएगा कि इस सेक्शन के अंतर्गत ये जानकारी है, इस सेक्शन के अंतर्गत ये जानकारी है, इस हिसाब से आप अलग अलग जो सीक्वेंस है आप सारी जानकारी एक साथ नोट कर लीजिएगा। फिर आपको अगली जानकारी जो लिखनी है वो लिखनी है कि प्रत्येक लाइन के अंतर्गत या प्रत्येक पोएम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं प्रत्येक लाइन के अंतर्गत, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब बात आती है वर्ड वाइज वर्ड एनालिसिस की। हो सकता है आपने बहुत सारों ने मेरी
ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे बनाई हुई वॉल्यूम नहीं देखी है, अगर नहीं देखी है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो देखिएगा मैंने किस पैटर्न से पोएम समझाई है कि आपको वर्ड वाइज वर्ड जो है वो डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जिस प्रकार से वो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम पढ़ रहे हैं, जैसे वो एमए की तैयारी कर रहे हैं, बीए की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है थीम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हुए होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिहाज में वो चीजें कहीं काम नहीं आती है। ध्यान रखिएगा यहां पर पूरा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है पोएम्स को पढ़ने का। आपको वर्ड वाइज वर्ड जो एनालिसिस है वो करना आना चाहिए, क्योंकि पोएम्स के अंतर्गत हर वर्ड जो है वो पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा भी जाता है। और स्टूडेंट जो अपनी मेहनत बचाना चाहते हैं कि चलो एक या दो क्वेश्चन ही तो आते हैं उनके लिए क्यों इतनी मेहनत करें, तो वो सिलेक्शन से चूकने की गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 8 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको ये डेटा कलेक्ट करने हैं और एक अच्छे सी बुकलेट तैयार करके आपको उसमें नोट्स तैयार करने हैं। 8 पॉइंट्स के बाद बारी आती है एसेज। हमारे सिलेबस में 2 एसे लगते हैं, बेकन का और चार्ल्स लेम का। एसेज को पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो ओरिजिनल टेक्स्ट यूज किया गया है वो ही आपको याद करना है। आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त, इनके नोट्स बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो एसेइस्ट ने या पोइट ने जो माना है वो ही हमें मानना है, ये नहीं कि हम अपने हिसाब से आंसर देने लगे। जैसे मान लो बेकन ने कहा है कि पोएट्री मैक्स वीटी, हिस्ट्री मैक्स वाइज, तो आपको उसके हिसाब से ही ध्यान में रखना है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से जब आप इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स के नोट्स बनाएंगे तब आपको देखना है कि चिमनी स्वीपर्स के लिए कौन कौन सी फ्रेजेज यूज की गई है, तो सारा का सारा ओरिजिनल टेक्स्ट के आधार पर ही आपको नोट्स तैयार करने हैं। अब बात आती है इनके बाद प्लेज की। आपके सिलेबस में 3 प्लेज लगते हैं, विलियम शेक्सपियर के 2 और इसके अलावा हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी और विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ और एज यू लाइक इट। इनको पढ़ते वक्त विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन ध्यान में रखना है आपको, हेरोल्ड पिंटर का जनरल इंट्रोडक्शन ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना यह है कि कब पब्लिश हुआ है, कब रिटर्न हुआ है, ये चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है। प्लेज का प्लॉट क्या है, उसका सब प्लॉट क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है कि उसकी क्या कोटेशंस है, कोटेशन के अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है कि कोटेशन किसने कही है, स्टेटमेंट किसने दिया है, उसको सुनने वाला कौन है, लिसनर कौन है, स्पीकर कौन है, और वो जो कोटेशन या स्टेटमेंट जब दिया गया है तो उस टाइम की परिस्थिति क्या है, किस इंसिडेंट के आधार पर वो स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऐसी डिटेल्स आपको तैयार करनी है, इसके अंतर्गत जितनी भी आपको कोटेशन लगती है वो सारी आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे नोट्स तैयार करने हैं, तो मैंने मैकबेथ, एज यू लाइक इट और द बर्थडे पार्टी है इस पे वीडियोस बनाए हैं, जो मैंने एक तरह पूरी तरीके से एक फिल्म के स्टाइल में बनाए हैं, ताकि आपके सीन जो है वो दिमाग में रह जाए। सारी जो डिटेल है वो मैंने इन वीडियोस के अंतर्गत डाली है। इन वीडियोस के लिंक जो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको प्लेज को किस हिसाब से पढ़ना है। हो सकता है आपने ओरिजिनल टेक्स्ट मंगा लिया हो, और आपको ओरिजिनल टेक्स्ट तो मंगवा नहीं है, इनके कोई गाइड से नहीं पढ़ना इनको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाइड्स पूरा कवर नहीं कर पाती है कभी भी, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं जो किसी गाइड में मेंशन ही नहीं होते, और अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है तो आपकी गलती होती ही नहीं है। मैकबेथ और एज यू लाइक इट पढ़ते वक्त आपके दिक्कत ये आएगी कि ये पूरी तरीके से पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। द बर्थडे पार्टी आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ भी जाओगे, लेकिन मैकबेथ एज यू लाइक इट को आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो क्लिप्स नोट्स की एक छोटी बुकलेट आती है, आप वो भी मंगवा सकते हैं, तो वहां से आप सारी जानकारियां तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिन टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं आप उनकी जरूर राय ले सकते हैं, जरूर उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं इस कंटेंट को तैयार करने में, क्योंकि प्लेज को आपको 2 रूपों में पढ़ना होता है, टेक्स्टुअल इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा एप्लीकेबल जो इन्फॉर्मेशन है। मान लो ओरिजिनल टेक्स्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको नोट्स में किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे, किस प्रकार से ओवरऑल व्यू के बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको इस आधार पर तैयार करने होते हैं। और प्लेज के अंतर्गत जितने भी कैरेक्टर्स लगते हैं उन सारों का जनरल व्यू आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके कोई छूटे ना। उसके बाद बारी आती है 3 नॉवेल्स, अनिता देसाई का क्राई द पीकॉक, आरके नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स और थॉमस आरडी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इनका भी आपको ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ना है, ताकि आपकी कोई भी जानकारी ना छूटे, क्योंकि अगर आप गाइड्स पढ़ते हैं और इनके आधार पर एक्सरसाइजेस करते हैं तो मार्केट के अंतर्गत मैं ऐसी कोई गाइड आपको सजेस्ट नहीं करूंगा जो पूरे तरीके से इन्हें कवर करती हो। हाँ, कुछ मिसकंसेप्शन आपके जरूर पैदा कर सकती है गाइड्स, तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट लाकर ही इन सारे कंटेंट को पढ़ें। तो इस प्रकार से आपको इसके अंदर भी कौन कौन से कैरेक्टर्स है, क्या इसकी थीम है, और नॉवेल्स के अंदर कोटेशन जो है वो बहुत कम लगती है, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से आप नॉवेल्स को तैयार कर सकते हैं। मैंने जो नॉवेल्स बनाए हैं, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, क्राई द पिकॉक, द वेंडर ऑफ स्वीट्स,
वो किस आधार पर बनाए, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस आधार पर तैयार करना है। मैंने इनका कंटेंट बनाते वक्त इन सारे ओरिजिनल टेक्स्ट को काफी बार पढ़ा है और इसके साथ उनको नोट्स में फॉर्मेट तैयार करके और उनको वीडियो का रूप दिया है, ताकि जैसे ही आप मेरा वेंडर ऑफ स्वीट्स या क्राई द पिको या द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज देखोगे तो आपको बिल्कुल फील ऐसे आएगा जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं। और मूवी हमारे क्यों ज्यादा जहन में रह जाती है, क्योंकि हमने उसको देखा हुआ होता है। और अगर आपको ऐसा सोर्स कहीं मिलता है तो आप उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखे हैं वो आप जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको इनको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा लिटरेचर में जो सबसे ज्यादा समस्या पैदा करता है स्टूडेंट्स के, वो करता है द वेस्टलैंड। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही व्यवस्थित है। अगर आपको इसको पढ़ना नहीं आता है तो मैं बता देता हूं कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका अनुवाद करके, इसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं वर्ड वाइज वर्ड। हाँ, वर्ड वाइज वर्ड पढ़ना चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा सिंबलिक वे में लिखा गया है। इसके लिए आपको एक तो ये लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी इसके अंदर जो रेफरेंस है वो कहां कहां से ली गई है। अगले लेवल पे आपको ध्यान ये रखना है कि इस पॉइंट को पूरा का पूरा 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, और 5 सेक्शन के अंतर्गत आपको अलग अलग इंसिडेंट ध्यान में रखने हैं। जैसे टाइपिस्ट गर्ल वाला, क्लर्क वाला जो इंसिडेंट है वो कौन से सेक्शन में लगता है, इसके अलावा जो मिसिज पॉटर वाला है वो किसके अंतर्गत लगता है, लिल एंड अल्बर्ट का जो सेक्शन है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत लगता है, तो ये सारी डिटेल आप तैयार करिएगा। इसके अलावा सिंबल जो है, जैसे रेड रॉक किसका है, वाटर जैसे फेथ का है, फिशिंग जैसे स्पिरिचुअल रिबर्थ का है, जो सिंबल्स है वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लिटरेचर पोर्शन में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी फॉर्म्स तैयार करने हैं। तो इसके लिए आप क्या है, एक तो जितने भी आपके पोएम्स के सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच लगते हैं उन सारों को नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स MH अब्राम की जो आती है वो आप गाइड जरूर ले लीजिए। काम में ऑथेंटिक गाइड मान के वहां से सीधे के सीधे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। इसके अलावा रेनन मार्टिन की बैक साइड में आप देखोगे तो उसके अंदर भी काफी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, वहां से भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया पूरा का पूरा लिटरेचर पोर्शंस। अगले लेवल पे बात आती है लैंग्वेज वैरायटी की, जिसके अंदर कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, क्रियोल और पिजिन आते हैं। इन पे आरपीएससी को हालांकि क्वेश्चन पूछना ही नहीं आता है। अब तक जितने भी पूछे तो इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, तो अब तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सारों को आप तैयार करके भी नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आपको बहुत सारी जानकारियां इस पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आपको ग्रामर कहां से पढ़ना है। ग्रामर के लिए आपको 3 गाइड्स ले सकते हैं, माइकल स्वेन की, रेनन मार्टिन की और थॉमसन मार्टिनेट, जो मेरी अब तक की पर्सनल फेवरेट गाइड रही है। अब इन गाइड्स के अंदर से आपको क्या क्या चीज पढ़नी है। थॉमसन मार्टिनेट से आपको पढ़ना है फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच आप इसमें से पढ़ सकते हैं, ऑक्सिलरीज जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अच्छा कंटेंट आपको इस बुक में से मिल जाएगा। इसके अलावा डिटरमिनर है वो भी आपको थॉमसन मार्टिनेट में से ही पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट जो है रेनन मार्टिन की, रेनन मार्टिन में आपको फिक्स प्रेपोजिशन जो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, इडियम्स फ्रेजेस दी हुई है वो भी आपको इसके अंदर पढ़नी चाहिए, फ्रेजल वर्ब है वो भी आपको इसमें से लेनी चाहिए, इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है वो भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया रेनन मार्टिन। इसके अलावा जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टॉपिक और लगते हैं, जैसे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाले, वो भी आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ने को देखने को मिलेगा, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में कंफर्म होगा, तभी आप सिंपल को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज कर पाएंगे। ज्यादातर विद्यार्थी सीधा ही सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चेंज करना सीखते हैं, तो वो ऐसे कभी नहीं सीखा जाता है। आप पहले नाउन प्रोनाउन सीखिए, फिर आप देखिए फ्रेजेज क्या होती है, फिर देखिए क्लोजेज कैसे होते हैं, फिर आप किस प्रकार से फ्रेज को क्लोज में चेंज करना सीखते हैं, इस आधार पर ही आप सारी चीज तैयार कर सकते हैं। माइकल स्वेन के अंतर्गत से आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सारी गाइड्स के अंतर्गत आप ग्रामर पोर्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कंपोजिशंस की। कंपोजिशंस के अंतर्गत आपके लेटर राइटिंग, इसके अलावा प्रेसिस राइटिंग और आपके रिपोर्ट राइटिंग। लेटर राइटिंग के लिए आप रेनन मार्टिन के बैक साइड में लेटर राइटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट दिया वो देख सकते हैं। इसके अलावा अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारों को आप देखिए, जिससे आपको लगभग नोट्स बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा लेटर राइटिंग में आपको फोकस करना है क्या बॉडी होती है, क्या सैल्यूटेशन होता है, क्या सब्सक्रिप्शन होता है, क्या हेडिंग होती है। मतलब सैल्यूटेशन में अगर कोई ऑफिसर है तो हमें कौन सा सैल्यूटेशन यूज करना है, डियर सर कहना है, सर कहना है। सब्सक्रिप्शन में हमें कब योर्स लविंग, योर सिंसियरली, इनका यूज करना है। तो ये जानकारी आप अच्छे से ले सकते हैं। और डेट का फॉर्मेट क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर हर बार आता है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, जो 60 नंबर की आती है और बहुत बड़ा पोर्शन है। स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी दुविधा रहती है, क्योंकि 2011-13 तक तो लेवल साइको का बहुत ज्यादा सिंपल रहता था, लेकिन 2015 से इसका स्टैंडर्ड काफी चेंज हो गया है। और 2015 वाले पेपर के बाद जब मैं सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद मैंने साइको पर बहुत ज्यादा फोकस किया। ये सारी ऑथेंटिक गाइड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मैंने पढ़ी है और अब भी मैं इनको पढ़ रहा हूँ। मेरे पेड कोर्स के अंदर जो सारा कंटेंट है वो इन्हीं गाइड्स पर बेस्ड है। और अगर अभी तक आपने साइको के वीडियो मेरे नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी लिंक डाल रखे हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। देखिए, हमें पता है कि साइको हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा होता है और इंग्लिश में साइको को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को तैयार करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बुक बता रहा हूँ कि आपको कौन सी लानी है। हो सकता है ये 7-8 बुक्स जो है वो आप अकेले अफोर्ड ना कर सके, तो इसलिए आप 10-20 लोग मिलकर, एक ग्रुप में मिलकर इन बुक्स को मंगवा लीजिए। और इसमें से कौन कौन सा कंटेंट कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, और इनसे कंटेंट लेकर आप एक छोटी बुकलेट भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ही लेवल पर आपको जो हिंदी में गाइड पढ़नी है वो पढ़नी है उच्चतर शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ये है प्रोफेसर SP गुप्ता और डॉक्टर अलका गुप्ता की लिखी हुई। इस बुक की खासियत ये है कि आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से ये क्लियर करेगी। दूसरा, टर्मिनोलॉजी जो है इसके अंदर का, शब्दावली जो है वो इंग्लिश में भी दी हुई है, तो इसलिए जब आप पढ़ें तो हिंदी वर्ड याद नहीं करके आप डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड ही यूज करें। जैसे अधिगम करता याद नहीं करके आप लर्नर करें, अधिगम नहीं करके आप लर्निंग करें, इस प्रकार से जो टर्मिनोलॉजी है वो आप इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत से आपको कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है, एक तो इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और जो अधिगम के सिद्धांत है वो आपको पढ़ने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व से संबंधित क्वेश्चन जो 2018 बायोलॉजी में आया है, हूबहू पेज नंबर 36 से 3 जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब आप हिंदी में जरूर इसको एक बार पढ़िएगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से ही पढ़िएगा, तो ये बुक आप जरूर ला सकते हैं। इसके आधार पर मार्केट के अंतर्गत एक बुक ही ऐसी है जो स्कूल लेक्चरर इंग्लिश पेपर 2 के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी ICT बाय डॉक्टर लकी आहूजा। इस गाइड को आप जरूर लाइए। हालांकि ये बुक पूरी सफिशिएंट तो आपको नहीं रहेगी, लेकिन सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन सा कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करने में ये जरूर मदद करेगी। इसके अंतर्गत आपको खासियत ये मिलेगी कि इसके अंतर्गत बहुत सारी कोटेशन दी हुई है इसकी, अगर बैक साइड आप देखोगे तो वो सारी कोटेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोटेशन काफी पूछी जाती है एग्जाम में। सारी कोटेशन आप जो है सारे टॉपिक से रिलेटेड आप एक अच्छी बुकलेट बनाकर नोट्स उसमें लिख लीजिएगा। दूसरी जो बुक है जो मेरी पर्सनल फेवरेट रही हुई है, जो आपके साइको के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि आखिर साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो इसके लिए आप बुक लेके आइए एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय SK मंगल। ये बुक आपका काफी कंटेंट कवर करेगी। इसके अंतर्गत से आपको क्या क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, इसके अलावा मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एसके मंगल की ये जो बुक है वो आपकी जो फर्स्ट जो यूनिट है उसको और सेकेंड यूनिट है उसको अच्छे से कवर कर लेगी। दूसरी बुक जो है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी बाई RP पाठक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी यूनिट फर्स्ट और फोर्थ को अच्छे से कवर करेगी। इसके अंतर्गत से आपको क्या क्या पढ़ना है, जो टीचिंग लर्निंग के जो लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो, इसके अलावा आप इसके अंतर्गत से पढ़ सकते हैं मैनेजिंग ऑफ एडोलसेंट लर्नर, वो आप इसके अंदर से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग को आप इसके अंदर से अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो ये बुक आप जरूर खरीद लीजिएगा, अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, कोई ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो 15-20 दिन के दौरान भी। अगली बुक है जो बहुत शानदार बुक है, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये है SK मंगल के द्वारा लिखी हुई। ये बुक जो आपको यूनिट फर्स्ट को फुली कवर करेगी और यूनिट फिफ्थ जो है जिसके अंतर्गत आपके टीचिंग मॉडल्स लगते हैं वो सारे अच्छे से कवर करेगी, आप इसको जरूर खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है, दो यूनिट आपकी बहुत शानदार तरीके से ये कवर कर रही है। इसके अलावा लर्निंग थ्योरी जो सबसे बेहतरीन तरीके से जिस बुक में दी हुए, एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बाई JC अग्रवाल, ये बुक बहुत शानदार है, इसके अंतर्गत से आप लर्निंग की थ्योरी जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ये आपकी सेकंड और थर्ड यूनिट को अच्छे से कवर कर लेगी। इसके अलावा आप इसमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, एडजस्टमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए ये बुक काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स पढ़ने हैं, साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आप NCERT की जो 11वीं क्लास की किताब है इंग्लिश मीडियम की वो आप जरूर मंगवा लीजिएगा, बहुत शानदार बुक है, सिर्फ साइको का बेसिक कॉन्सेप्ट और एजुकेशनल
जो साइकोलॉजी के जो मेथड्स है उनको पढ़ने के लिए। छोटी सी किताब है, ज़्यादा रुपए की नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग के 10 पेजेस जो है उनकी फोटोकॉपी करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी किताब आपके ये काम नहीं आएगी, बस इतनी जानकारी आप इसमें बुकलेट में अटैच कर लीजिएगा। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और कंटेंट जहाँ से आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा विस्तृत कंटेंट है, आप इतने सोर्सेज से नोट्स नहीं बना सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि इसको एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार करना, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पैड कोर्स। इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा ऐप सलामत अली खान, और जहां पर आपको स्कूल लेक्चर इंग्लिश पेपर सेकंड का कंप्लीट सिलेबस जो है वो वीडियो फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप जिन भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं आप उनको भी ये वीडियोस दिखा सकते हैं और रेकमेंड करवा सकते हैं कि क्या आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं से भी ओरिजिनल टेक्स्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी कोई बुक और गाइड नहीं खरीदनी है, कहीं से कोई एक्सरसाइज की बुक नहीं खरीदनी है। आप सारा का सारा जो कंटेंट है वो आप मेरे प्लेटफॉर्म सलामत अली खान ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पर आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिलेगा कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या कोर्स की फ़ी है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इस ऐप में आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं डायरेक्टली तो भी आप मेरा नंबर वहाँ से लेकर आप मेरे को डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगली वैकेंसी के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। हो सकता है ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया गया हो उसके काफ़ी 1 या 2 साल बाद भी स्टूडेंट्स इसको देखें, उनको मेरी राय रहेगी कि आप कभी भी वैकेंसी आई स्कूल लेक्चर की, आप कभी भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप के अंतर्गत वीडियो जो रहते हैं वो रिकॉर्डेड रहते हैं, जिसकी खासियत ये है कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। लाइव क्लासेज नहीं है, साथ ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड किया जाता है, जहां पर आपके किसी प्रकार के कन्फ्यूजन आते हैं तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो कॉल्स भी आपका अटेंड करूंगा, क्योंकि हमारे कोर्स का अब तक का हर बार का रिकॉर्ड रहता है इंग्लिश में मार्क्स का। हमारे कोर्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो एवरेज स्टूडेंट्स के 260 से लेके 284 तक नंबर आते रहे हैं। पिछले बैच के अंदर ही हमारे स्टूडेंट के 284 मार्क्स आए। अगर 3 क्वेश्चन गलत फिलअप नहीं होते तो ये रिकॉर्ड 290 से ऊपर जाता, और इंशाल्लाह जल्दी ही ये रिकॉर्ड 290 से ऊपर का ही बनेगा अब जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। तो मिलते हैं एक ऐसी और फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए आपको इस वैकेंसी के लिए बधाई, शाबाश है।